नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 4 अफसरों की मौत हो गई। अभी इनके नाम सामने नहीं आए हैं। वही हादसे में जो विजुअल सामने आए हैं उसमें हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और उसमें आग लगी हुई है। जनरल बिपिन रावत की स्थिति के बारे में अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना के प्रमुख के पद पर थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जिम्मा भी संभाला। एक खबर के मुताबिक हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। इस पर 14 वरिष्ठ अधिकारी थे। हादसे की जगह पर डॉक्टरों की एक टीम रवाना की गई है। सेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। 2 शव बरामद किए गए हैं जो कि 80% तक जल गए थे। इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। कुछ और शव पहाड़ी से नीचे दिखाई दे रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।